अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैप गार्डन। और आज मैं बात करने लगा हूँ नासा प्रूफ बाय ऑक्सीजन प्लांट के बारे में। दैट इज़ माय फेवरेट, ऑक्सीजन के लिए, इंडोर के लिए मेरा फेवरेट प्लांट है। इसको स्नेक प्लांट इसका नाम है। और स्नेक प्लांट में और भी बहुत वैरायटी आती हैं। एक अलग वैरायटी है जो कॉमन वैरायटी है, ये वो है। इसमें जो साइडें होती हैं वो जो है येलो होती हैं, और सेंटर का एरिया इस तरह होता है जिस तरह सांप की जिल्द होती है। ये बढ़ती भी इसी तरह है, राउंड एंड राउंड, ये देखिए, तो ये सांप की तरह। इसलिए इसको जो है ना स्नेक ना प्लांट का नाम भी दिया गया है। ये मैं नर्सरी से लेकर आया तो इसमें जो है ये दो पॉट्स लगे हुए हैं, दो इसके जो है रनर है। ये इसका रनर है, ये टाइम टू टाइम अपने रनर प्रोड्यूस करता रहता है। और देखिए कितने छोटे से पॉट में कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। इंडोर बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, ये आउटडोर भी ग्रोथ करता है, लेकिन इंडोर का प्लांट है, इंडोर में ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेता है। नासा ने इसको किसके लिए अप्रूव किया है? ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो प्लांट है जो दिन में तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता ही है, रात में भी करता है। तो ये बेस्ट प्लांट है ऑक्सीजन के लिए। ये हमारे घर में लाजमी एक तो होना चाहिए। जिनको भी सांस का मसला, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको अगर केयर की बात करें, इसको इंडोर रखें या आउटडोर रखें, पानी इसको कम दें, ज़्यादा ना दें। इसको, ये हार्डी प्लांट है, इसको अगर पत्थर वाले गमलों में भी लगाएंगे या किसी सख्त जगह पे भी लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर देगा। मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन ही लीजिए, लेकिन अगर वेल ड्रेन ना भी हो, सख्त मिट्टी हो, इसमें भी ये अच्छी ग्रोथ करेगा। इवन के जिसके पप्स हैं वो भी प्रोड्यूस करेगा, ये इस तरह इसके निकलते रहेंगे। बस इसको जो आपने बचाना है वो बचाना है इसकी रूट बाउंडिंग से। अभी इतने से पॉड में है और इतनी अच्छी ग्रोथ इसने कर लिया, अब इसके दूसरे पप्स नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि इसकी अब जो गमला है यकीनन वो रूट से भर चुका है, इस वजह से ये अब जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा। आगे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही इसकी। ये ऑक्सी जो जड़ें इसकी, ये नीचे की तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ ये अपनी जड़ें फैलाता है, और उसके बाद ये नीचे जाता है, उसके बाद ये नीचे अपनी जड़ें प्रोड्यूस करता है। इसकी जड़ों का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑरेंज टाइप का होता है। इसकी प्रोपेगेशन के बारे में बात करें तो ये इसके पप्स तो निकल ही रहे हैं, इवन कि आप इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सा एक कट कीजिए, लीव इसका कट कीजिए, वो ज़मीन में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, वो कुछ टाइम बाद वहाँ से अपनी जड़ें निकालना शुरू कर देगा। जब मैं इसे परचेस करके लाया था तब मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत अच्छा रिव्यू आया आप लोगों का, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्यार दिया। और मैं इसको जो है अभी सेपरेट करने लगा हूँ क्योंकि ये इसके लिए छोटा पड़ गया है। मैं इसको एक जो है अपने मार्बल पॉट में लगाऊंगा क्योंकि इसकी ग्रोथ उसमें भी अच्छी हो जाएगी। कुछ टाइम में इसको यहीं रखूंगा और उसके बाद मैं अपने इंडोर यानी घर के अंदर इसको प्लांट करूंगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्लांट है तो इसको घर में होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको एक पॉट दिखा दूँगा। तो इस मार्बल पॉट में मैं इसको जो है ट्रांसप्लांट करूँगा। इसकी डेप्थ जो है वो चार इंच के करीब है। इसको सेंटर में जब मैं लगाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत भी लगेगा, इंडोर और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो मैं अभी इसको जो है रूट बाउल इसका बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको जो है पहले अच्छी तरह इस तरह पटक लेंगे ताकि जो गमले के साथ मिट्टी चिपकी हुई है वो थोड़ी सी अलग हो जाए। इवन कि इसकी जड़ें ही होंगी मुझे तो लग रहा है, फिर भी हम देखेंगे। इस तरह इसको साइडों से थोड़ी थप्पी दे दीजिए, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप इसकी रूट्स हैं। जैसा मैंने कहा कि रूट्स जो है ऊपर सरफेस एरिया से शुरू करता है फैलाना, और डीप में भी फिर बाद में जाता है। इवन कि ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी रूट है। यहाँ पे मिट्टी इस तरह जमी रहती थी, अभी जब मैंने इसको मिट्टी हटाई तो यहाँ से इसकी एक रूट निकल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि आप इसको अगर काट के मिट्टी में भी लगा दें तो वहाँ से ये अपनी जो है स्प्राउडिंग शुरू कर देगा और एक नई ग्रोथ लेगा। तो मैं भी इसको बाहर निकाल लूँ पहले तरीके से। या अल्लाह, थोड़ा सा सख्त हो रहा है ये। इसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पटक नहीं रहा। खैर, हम इसके किसी दीवार के किनारे से इसको जो है निकालने की कोशिश करेंगे।
उससे पहले एक दफ़ा फिर इसको जो अच्छी तरह हम पटक देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पानी इसको मैंने कम ही दिया, जैसा मैंने कहा कि इसको पानी आप कम से कम ही दीजिए, बहुत ज़्यादा केयर इसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसी का ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, फिर हम करते हैं इसका कुछ। तो अभी इसको पटकते हैं थोड़ा सा, तो ये हमने रूट बाउल बाहर निकाल लिए। देखिए ये इसका जो है पप है, ये देख सकते हैं आप, और जो है किस तरह इसकी रूटिंग अच्छी हो रही है। इसमें भी चूटियों ने जगह बनाना शुरू कर, तो हमने बिल्कुल सही टाइम पे जो है इसको आउट कर दिया, वरना चूटियाँ इसमें भी अपना घोंसला बना लेती। खैर जब हमने जब इसको निकाला तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि इसकी ग्रोथ इसमें और अच्छी होती है, अभी कुछ टाइम और इसमें ग्रोथ इसकी चल सकती थी, क्योंकि कंप्लीट जो है वो रूट्स ने गमले को नहीं घेरा हुआ था। खैर जो हुआ सो हुआ, अब हम ये जो इसका पप है इसको इसी गमले में लगा देंगे। अभी ये हार्डी प्लांट है, इसको अगर आप कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी जड़ों को हवा नहीं लगेगी, इसको कुछ भी नहीं होगा। आप उसकी फिगर बिल्कुल नहीं कीजिएगा जब आप इसको ट्रांसप्लांट करें। खैर मैं इसको, ये जो बड़ा वाला ट्रंक है, इसको अपने पॉट में फिक्स करूँगा अभी। तो अगर बात कर लें मिट्टी की, तो मैंने ये जो सॉइल ली है पुरानी मिट्टी है, इसमें जो है लीफ कंपोस्ट पहले से ही है, और ये ज़्यादा यूज़ हुई भी नहीं है। खैर ये ज़मीन की मिट्टी है, इसमें मैं थोड़े से जो है नीम लीव्स भी ऐड कर दूंगा, जो वक्त के साथ साथ जो है खुद ही डीकम्पोस्ट होकर खाद का काम करेंगे। इसके अलावा मैंने जो है गोबर की खाद जो है इसमें ली है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ली मैंने, क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो उस वक्त ज़्यादा खाद मिक्स ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स को थोड़ा सा परेशानी होती है कि वो अपनी मिट्टी से बिल्कुल अलग हो गई, यूँ समझ ले बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया। अभी आप उसको जब ओवरडोज कर देंगे वो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर देगा। तो थोड़ी बहुत आप इसमें कंपोस्ट यूज़ किए मैंने, और जब ये अपने आप को संभाल लेगा पौधा, उसके बाद जो है मैं इसमें और कंपोस्ट ऐड करूँगा, ताकि ये और पप अपने निकाल सके। तो मैं इस मेन प्लांट को अभी इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। ये लीजिए, इसकी जड़ों को थोड़ी सी बिठाने की कोशिश कीजिए कि सेंटर में रहे, ताकि वो थोड़ा सा दिखने में जो है अच्छा भी लगे। प्लांट काम करना थोड़ा मुश्किल है अकेले हाथ से। ये लीजिए, तो मैं इसमें पहले मिट्टी फील कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये लीजिए, तो शुगर खुद ही खड़ा हो गया, तो हम साइडों में अभी मिट्टी, तो हमने इसमें सॉइल अच्छी तरह फिक्स कर लिए, इसको सेंटर में भी कर लिया अभी, और जो है थोड़े से लीव्स और इसमें मैंने नीम लीव्स ऐड किए। तो अभी हम इसको पानी दे देंगे, पानी आप किसी भी मेथड से दे दें, मतलब किसी भी चीज़ से दे दें, जग से, पाइप से, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसी तरह का पॉड यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है, बस इतना ही देना है कि पूरी मिट्टी जो है मॉइस्ट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप 2-3 दफ़ा करके इसको पानी कंप्लीट कर सकते हैं इसका। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें आपको पता ड्रेनेज होल तो है नहीं, तो होगा ये कि पानी इसमें रहेगा, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप इसको कम पानी दे दीजिए, इसके लिए वो काफ़ी रहेगा। पूरी मिट्टी बस इसकी जो है हल्की हल्की मॉइस्ट हो जाए, इसके लिए वो काफ़ी है। तो अभी हम इसको कुछ टाइम अपने पास यहीं रखेंगे, और उसके बाद जब ये कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा उसके बाद हम इसको इंडोर अपने घर में रख देंगे। अभी भी इसको हम शेडी एरिया में ही रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि धूप में रखेंगे तो थोड़ी इसको परेशानियाँ भी हो सकती है, तो इसलिए अभी हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको घर में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी स्नेक प्लांट के बारे में। अगर इसके बारे में आप कोई और सवाल करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने कंपोस्ट के ऊपर वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।
तो हमने इसमें सॉइल अच्छी तरह फिक्स कर लिए, इसको सेंटर में भी कर लिया अभी। और जो है थोड़े से लीव्स और इसमें मैंने नीम लीव्स ऐड किए, तो अभी हम इसको पानी दे देंगे। पानी आप किसी भी मेथड से दे दें, मतलब किसी भी चीज़ से दे दें, जग से, पाइप से। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसी तरह का पॉड यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है। बस इतना ही देना है कि पूरी मिट्टी जो है मॉइस्ट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप 2-3 दफ़ा करके इसको पानी कंप्लीट कर सकते हैं इसका। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें आपको पता ड्रेनेज होल तो है नहीं, तो होगा ये कि पानी इसमें रहेगा, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप इसको कम पानी दे दीजिए, इसके लिए वो काफ़ी रहेगा। पूरी मिट्टी बस इसकी जो है हल्की हल्की मॉइस्ट हो जाए, इसके लिए वो काफ़ी है। तो अभी हम इसको कुछ टाइम अपने पास यहीं रखेंगे, और उसके बाद जब ये कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा उसके बाद हम इसको इंडोर अपने घर में रख देंगे। अभी भी इसको हम शेडी एरिए में ही रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि धूप में रखेंगे तो थोड़ी इसको परेशानियाँ भी हो सकती है। तो इसलिए अभी हम इसको शेडी एरिए में रखेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको घर में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी स्नेक प्लांट के बारे में। अगर इसके बारे में आप कोई और सवाल करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने कंपोस्ट के ऊपर वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।